कि इबलीस ने ये कहा कि अना खैरु मिन, अफजल मैं हूं, मैं बेहतर हूं, मैं पुराना हूं, आदम तो अभी पैदा हुए हैं, मैं तो इतने दिनों से काम कर रहा हूं, इसलिए हमको फजीलत बख्शी जाए, अमीर हमको बनाया जाए और आदम हमारा सजदा करें। तो अल्लाह से वो शख्स क्या कह रहा है कि इंसाफ से काम लीजिए। कौन कह रहा है? इबलीस। इंसाफ करिए हमारे साथ, आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह और कह भी रहा है खलकतहु मिन तीन व खलकतनी मिन नार, ये भी कह रहा है कि मुझे जो बना हुआ आग से खुद नहीं बना हूं, आप ही ने मुझे आग से बनाया है और आप ही ने उनको मिट्टी से बनाया है, फिर भी कह रहा ना खैरु मिन, अरे भी बेहतर कैसे तुम हो गए? अल्लाह जिसको बेहतर बनाएंगे वो बेहतर होगा ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बेहतर बनाना चाह रहे हैं, उनको अफजल बनाना चाह रहे हैं, खिलाफत, इमारत, नबूवत, इमामत, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम को देना चाह रहे हो और तुम कह रहे हो कि इंसाफ नहीं हो रहा हमारे साथ, में तो बहुत पुराना हूं। बड़ी खतरनाक बात है मेरे दोस्तों। इसलिए हमेशा डरते रहना चाहिए, हर वक्त डरना चाहिए और मुहासबा करना चाहिए कि जो हम चल रहे हैं ये कोई हमारा काम कमाल नहीं है, कब कौन रुक जाए और किसका रुख किधर फिर जाए कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कितने लोग आए और गए। इसलिए हमें जरूरत है कि हम खूब अपना मुहासबा करें, जायजा लें, काम करने वाले साथी, और सीरत का मुताला करें, हयातुस सहाबा का इंफरादी तौर पर खूब जरूर मुताला करें और अपने निजा को, अपने इख्तलाफ को सीरत से हल कर लिया करें, हल हो जाएगा। हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई मसला इख्तलाफी आता था तो कहते थे मैं ऊपर देखता हूँ और फिर नीचे देखता हूँ, फिर मैं कोई फैसला लेता हूँ। ऊपर मैं सीरत को देखता हूँ और नीचे मौलाना इलियास और मौलाना यूसुफ रहमहुमल्लाह को देखता हूँ, तब मैं कुछ राय देता हूँ, क्योंकि इन दोनों बाप बेटों ने कसम खा रखी है कि सीरत से नीचे कोई बात चलानी ही नहीं है, सीरत से नीचे कोई बात चलानी ही नहीं है। आज वो कुर्सी का इम्तियाज है, आज उस कुर्सी का इम्तियाज है, उन बुजुर्गों की कुर्बानी है कि सीरत से हटकर कोई बात चलती ही नहीं वहां। आज भी हजरत यही कहते रहते हैं कि हमको सीरत से जुड़ना है, शरीयत सीरत से जुड़ना है, कोई शख्सियत साजी यहां नहीं है, कोई यहां वहदा नहीं है, कोई यहां इलेक्शन नहीं है, बस मशवरा है, एक काम की तरतीब है, एक कुर्बानी मांगी जा रही है, उसी से उम्मत को जोड़ना है, किसी चीज से नहीं जोड़ना है। फिर अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद जिस तरह से पहले जमाने में आती थी उसी तरह से नुसरत और मदद अल्लाह की इस जमाने में उससे भी कहीं ज्यादा आने की मौजूद है, वादा है अल्लाह का। ये खंडक के जो वाकया पढ़ते हैं